हेलो फ्रेंड्स, आप एक देख सकते हैं मारुति एटिका है और ये गाड़ी अपने पास आई है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम, चलिए आपको हम पहले इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं। देखिए अपना मीटर में सब लाइटें आ रहा है, ठीक है। और अपन चलिए हम गाड़ी को मारते हैं सेल्फ। देखिए हम गाड़ी को सेल्फ मार रहे हैं और गाड़ी अपना स्टार्ट हो नहीं रहा है। चलिए सबसे पहले हम इसका फ्यूज चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्कैनर लगा लिया, कुछ फॉल्ट बता नहीं रहा है फ्रेंड्स। देख सकते हो ये फ्यूज है, और चलिए फ्यूज में चेक कर लेते हैं कौन इंजन। ये अपना 7.5 का आता है फ्यूज फ्रेंड्स, ये अपना एसीएम का आता है, तो पावर सप्लाई का ये तो ओके है फ्यूज। और चलिए ओके, इसको लगा देते हैं फ्यूज को। हमने सब फ्यूज चेक कर लिया और फ्यूज में कोई तकलीफ, इसमें मेरे को तकलीफ लग रहा है। ये इसमें पहले आपको सप्लाई बताते हैं, इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो हम इग्निशन ऑन कर दिया और आपको बताते हैं इसमें पावर क्या क्या आएंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं। देख सकते हो ये अपना दिखा रहा है 12, मतलब ये माइनस है, मतलब ये अपना अर्थिंग है। और ये 12 बोल्ट इसमें भी दिखा रहा है, दिखाओ सही से दिख रहा है ना, इधर दिखाओ इधर भी लेके आता। हाँ ठीक है, तो अपना सप्लाई बराबर है, सेम सो इग्निशन ऑन है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 12 आ रहा है। तो समझ लीजिए अपना ये तीनों सप्लाई चालू है, एक को लेके जाता है। देखिए ये अपना 86-85 अपना अर्थिंग लेके जाएगा, और 30 जो अपना मेन सप्लाई रहेगा बैटरी से, और 86 अपना एसीएम से पावर आएगा, ठीक है। और अपना 87 वो सप्लाई लेके जाएगा, मतलब इग्निशन को ऑन करने के लिए। तो सिंपली आपको बताते हैं, देखिए हम किस तरह से इसको डायरेक्ट करके हम अभी स्टार्ट करें। नहीं ये इसको अभी डायरेक्ट कर दिया, चलिए हम इसको रिले को बिठा लेते हैं। चलिए छोटू स्टार्ट करिए बेटा, देखो पावर स्विच ऑन करना एक बार। हाँ मारिए सेल्फ, बैटरी लो है, बैटरी दूसरा लगा। सेल्फ मार मार के गाड़ी वाले ने बैटरी डाउन कर दिया। चलिए स्टार्ट करिए, तो चलिए बंद करिए। फाइनली अपने को है ना ये मेन रिले है ना, इसमें भी अपने को तकलीफ लगा। चलिए हम ये मेन रिले मंगा लेते हैं और न्यू फिटिंग कर देते हैं इसमें। ये देख सकते हो ये जो रिले, देख सकते हो ये पुराना रिले फ्रेंड्स, और हमने अपने पास नया रिले मिला नहीं, तो अपने पास एक जूना रिले पड़ा था। चलिए इसको ही लगा के अपन अभी चेक करते। देखिए अपना गाड़ी का जो रिले है ये साइड में रख दिया, ठीक है। फिर अपना ये अपने पास जूना पड़ा था, मैंने चेक कर लिया ये रिले सही है। चलो इसको हम लगाते हैं अभी। लग गया भाई, चलो बैठ गया। चलिए मारिए स्टार्ट। देखो तो अपना कार स्टार्ट हो गया। देखिए
चलो हल्का एक्सेलेटर दो 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 बस ओके। गए अपने पास जो एटिका आई और हमने आपको बताया जो रिले का फॉल्ट था, देखिए ये छोटा रिले है और इसने पूरी गाड़ी को स्टार्ट करने नहीं दिया, बोलिए ठीक है। और हमने एक तो क्या करेंगे, हम रास्ते में फंस गए थे तो इसके वजह से हमने क्या गाड़ी टोचन करके, मैं बोला छोटा सा फॉल्ट है, रास्ते में मेरे को फॉल्ट मिल गया था, लेकिन चलो मैं सोचा कि चलो वीडियो ही बनाते, आप लोगों को भी मैसेज पहुंचना चाहिए, वीडियो पहुंचना चाहिए जो एक रिले, छोटा सा रिले की वजह से गाड़ी स्टार्ट मतलब नहीं होता है। तो इसके वजह से हमने ये वीडियो बनाया आप लोग के लिए, आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यूट्यूब में। थैंक यू।